गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो बायोलॉजी का जो सेकंड यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर का ये डायग्राम बनाया मैंने। तो व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? इट इज ए मॉडिफाइड शूट विद कंडेंस्ड एक्सिस, विद इट्स कंडेंस्ड एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस एंड इट हैज वेरियस अपेंडेजेस। मतलब फ्लावर क्या है? इट मॉडिफाइड शूट विद इट्स कंडेंस्ड एक्सिस, दैट एक्सिस इज कॉल्ड एज दिस थैलेमस। ठीक है, ये है थैलेमस। व्हाट इज थैलेमस? इट इज द अपर पार्ट ऑफ पेडिसल। पेडिसल, पेडिसल इज ए ब्रांच, इट इज स्टेम दैट होल्ड्स फ्लावर। पेडिसल, स्टेम होल्डिंग फ्लावर, स्टेम और ब्रांच होल्डिंग फ्लावर। That is called as pedicel. And thalamus, what is this thalamus? Thalamus is a swollen portion, condensed, swollen condensed axis that holds floral parts. That is, thalamus is a swollen condensed axis that holds floral parts. ठीक है, तो ये तो आगे बात पेडिसल की और थैलेमस। उसके बाद आता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स इज ए ग्रीन पोर्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेपल। इट इज ए ग्रीन पोर्शन एंड द मेन फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर। प्रोटेक्शन, मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन। यू माइट हैव सीन फ्लावर, जब फ्लावर बड़ कंडीशन में होता है तो क्या होता है? सो दिस इज ए फ्लावर, गुलाब का फूल देखो चाहे आप, दिस इज ए फ्लावर बड कंडीशन में। जब तो इसके बाहर क्या लगी होती है? इस तरीके की पूरी तरह से जो कैलिक्स है उससे वो ढका होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग फ्लावर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला है, दैट इज अगला जो पार्ट है फ्लावर का, दैट इज करोला। दैट इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, कर्नल पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पेटल। और इस पेटल का फंक्शन क्या है? इसका पेटल का फंक्शन है तो अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। और दूसरा क्या है? इट इज ब्यूटिफिकेशन में इसका काम है, क्योंकि कलर पोर्शन देखने में ब्यूटीफुल लगते हैं। लेकिन मेन जो फंक्शन है इसका, दैट इज अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट्स आएंगे, पोलन को अपने साथ लेके जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो दूसरे किसी प्लांट पे जाएंगे और क्या होगा, इसकी पोलिनेशन होगी। उसके बाद व्हाट फ्लावर की बात आती है, तो व्हाट इज दिस फ्लावर? दिस इज दिस पार्ट ऑफ फ्लावर, दिस पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टेमन होल। ये पूरा जो यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरे का पूरा, दैट इज कॉल्ड एज स्टेमन। अब स्टेमन किस किस का बना हुआ? दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन। पूरा स्टेमन इज मेड अप ऑफ फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर। स्टेमन इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट और एंथर इकट्ठे होकर क्या बना देंगे? स्टेमन। स्टेमन इज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंड्रोशियम। स्टेमन को क्या बोल सकते हैं? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के बीच आपको पता है क्या डेवलप होगा? स्टेमन का जो एंथर पार्ट है, एंथर पार्ट के बीच क्या डेवलप होगा? पोलन ग्रेन्स, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, स्टेमन के अंदर इस जो हमारा स्टेमन है, स्टेमन का जो एंथर पार्ट है, एंथर पार्ट के अंदर देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट इज डिवेलप, मतलब मेल गैमेट डिवेलप होगा यहां से। तो यू कैन कॉल दैट दिस स्टेमन और एंड्रोशियम, इट इज ए मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। अब उसके बाद बात आती है हमारी गाइनोशियम की, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्पल। गाइनोशियम और कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोशियम एंड कार्पल इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो गाइनोशियम जो है, दैट कंटेन्स, गाइनोशियम के जो पार्ट है वो क्या है? स्टिग्मा है, ये जो बेस लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर, प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर, दैट इज कॉल्ड अ स्टिग्मा। एंड स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टूवर्ड दिस डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ स्टाइल। स्टिग्मा, स्टिग्मा का काम होता है, इट इज द बेस, इट इज द प्लेटफॉर्म फॉर
पोलन्स, पोलन्स के गिरने का स्थान है यहाँ पर, पोलन गिरेंगे ठीक है पोलिनेशन के टाइम में। तो स्टिग्मा तो ये आ गया हमारा। अब पोलन का काम, ये हमारी स्टाइल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टाइल, होल्डिंग ऑफ स्टिग्मा ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस ताकि आसानी से पोलिनेशन हो सके। मतलब स्टाइल का फंक्शन क्या होता है, होल्डिंग ऑफ स्टिग्मा, होल्डिंग ऑफ स्टिग्मा या एक्सपोजर ऑफ स्टिग्मा सो दैट पोलन ग्रेन्स मे रीच इजिली टू द स्टिग्मा फॉर पोलिनेशन आफ्टर पोलिनेशन फॉर फर्टिलाइजेशन ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी ओबरी, ओबरी दैट इज सोलन पोर्शन, ये सोलन पोर्शन है जो कि नीचे बिल्कुल प्लाव प्लांट के फ्लावर के बीच में है, प्रोटेक्टेड है बाई ऑल होल्स दैट इज सेपल पेटल सब इसके बाहर है और इसकी प्रोटेक्शन है। इट इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर, सोलर स्ट्रक्चर एंड विद इन दिस ओबरी देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस, मींस ओब्यूल, दिस इज ओब्यूल, ओबरी के अंदर क्या है, ओब्यूल है। और ओब्यूल के अंदर क्या होता है, ओबरी के अंदर ओब्यूल है और दिस इज ओब्यूल, दिस आर द लेयर्स ऑफ इंटेगमेंट्स ऑफ ओब्यूल और ओब्यूल के अंदर देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो ओबरी का मेन फंक्शन क्या है, ओब्यूल दैट डेवलप्स इनटू सीड, ओब्यूल डेवलप इनटू सीड एंड दिस ओबरी, दिस ओबरी ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, दिस ओबरी ये जो स्ट्रक्चर है दैट डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओब्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड दिस ओबरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो फ्रूट जो हम खा रहे थे दैट इज अ पार्ट ऑफ ओबरी एंड जो बीच में सीड निकलता दैट इज ओब्यूल, और सीड के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट, दैट इज डेवलप फ्रॉम इंटेगमेंट्स ऑफ ओब्यूल, सीड कोट जो है दैट इज डेवलप फ्रॉम इंटेगमेंट्स ऑफ ओब्यूल। तो दिस इज अबाउट द फ्लावर, टिपिकल फ्लावर। समटाइम्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, सेपल और पेटल के बाद बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेपल और पेटल दैट इज कॉल्ड अ टेपल, टेपल, टेपल इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज नाइदर सेपल नॉर पेटल, ना ये सेपल है ना ये पेटल है, इसलिए ये क्या है एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको हम क्या बोलेंगे टेपल। अब मैं बात करूं कि फ्लावर उगता कहां है, फ्लावर होता क्या है, फ्लावर जो है दैट इज सपोज दिस इज मदर एक्सिस, दिस इज मेन ब्रांच ऑफ फ्लावर प्लांट एंड दिस फ्लावर अराइज एट ए नोड, ये फ्लावर कहां राइज करेगा, एक नोड पे राइज करेगा फ्लावर, और नोड सबसे पहले नोड क्या डेवलप करेगा लीफ, ये नोड के ऊपर लीफ है, फिर इसके बाद क्या डेवलप होगी वट, देयर विल बी वट डेवलप्ड हियर एंड दिस बड ग्रोज, ये बड ग्रो करेगी एंड फ्लावर इज डेवलप्ड हियर ठीक है। तो हम जो मेन एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर डेवलप होता है उसको हम बोलेंगे मदर एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको हम मदर एक्सिस, और नोड जिस नोड पे पॉइंट फ्लावर डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एक्सल ऑफ लीफ, ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे एक्सल ऑफ लीफ। व्हाट इज एक्सल ऑफ लीफ, जैसे ये आ गई हमारी मदर एक्सिस, उसके ये लीफ है, ये लीफ है, अब ये जो पॉइंट है बीच का इसके इसके और इसके लीफ के बीच में जो पॉइंट है ये जो एरिया जहां पे हमारा डेवलपमेंट ऑफ बड विल बी दैट इज कॉल्ड एक्सल ऑफ लीफ, एक्सल ऑफ लीफ। तो एक्सल ऑफ लीफ से फ्लावर डेवलप होता है, इस एक्सल को हम क्या बोल देते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट। कई बार फ्लावर जो ब्रैकेट के अंदर से डेवलप होता है, एक्सल ऑफ लीफ से डेवलप होता है, सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज ब्रैकेट। तो जो फ्लावर एक्सल ऑफ लीफ से डेवलप होते हैं फ्लावर को हम बोलेंगे ब्रैकेट, और जिन फ्लावर्स में एक्सल ऑफ लीफ नहीं होगी दैट इज कॉल्ड एज ईब्रैकेट ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है दैट एंड फीमेल पार्ट दैट आर कॉल्ड एज द एसेंशियल होल्स ऑफ फ्लावर, मतलब सबसे जरूरी जो पार्ट है फूल के, क्योंकि फ्लावर इज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, मेन जो फ्लावर का मेन काम है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, मेन प्रोडक्शन ऑफ सीड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस, ताकि इसके अगली जनरेशन जो है वो कंटिन्यू रहे, प्रोडक्शन ऑफ सीड होता रहे। तो फ्लावर का जो मेन फंक्शन दैट इज रिप्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब रिप्रोडक्टिव जो होल्स है फ्लावर के दैट इज स्टेमन एंड कार्पल, स्टेमन एंड कार्पल, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, एंड एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर कॉल्ड एज द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अगर ये दोनों पार्ट्स एक फ्लावर में होते हैं मींस ये जो फ्लावर है इसमें क्या है
ये स्टेमन भी है, स्टेमन भी है मतलब एंड्रोशियम भी है और गाइनेशियम भी है, ठीक है। सो फ्लावर इज कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर, ठीक है ना। जिस फ्लावर में ये दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनेशियम भी प्रेजेंट है, मतलब कि मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे इसको हम, कंप्लीट और परफेक्ट, परफेक्ट फ्लावर, ठीक है, और हर्मैफ्रोडाइट, परफेक्ट फ्लावर और हर्मैफ्रोडाइट, क्योंकि इस फ्लावर के बीच में क्या है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों जी प्रेजेंट है। उसके बाद कोई कई फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों में से एक प्रेजेंट होता है, ये बात हो गई। अब मैं इसको अगर डिलीट कर दूं तो देर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लो दोनों में से एक प्रेजेंट है, या ये या मेल पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, मान लो यहां पर ये जो मेल पार्ट है वो फ्लावर के अंदर नहीं है, ठीक है ना, मेल पार्ट फ्लावर के अंदर नहीं है और फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है, ये इस टाइप का फ्लावर है मान लो, तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज दिस फ्लावर, इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। क्या बोलेंगे इसको हम, इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट, ठीक है। तो इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, इनपरफेक्ट बोल सकते हैं इस फ्लावर को। और सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्पल प्रेजेंट है या पिस्टल प्रेजेंट है, सो दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज कार्पिलेट और पिस्टिलेट। इस फ्लावर को हम बोलेंगे कार्पिलेट या पिस्टिलेट फ्लावर। तो दिस इज ए कौन सा फ्लावर है, ये पिस्टिलेट फ्लावर। तो व्हाट इज पिस्टिलेट फ्लावर, इट इज द फ्लावर इन विच ओनली वन होल इज प्रेजेंट, मतलब पिस्टिलेट मींस इस ये फ्लावर ऐसा है इसमें केवल क्या प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, इसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। अगर दूसरा केस आता है तो आपको बात समझ आ गई कि व्हाट इज पिस्टिलेट फ्लावर, इट इज एन इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें कंप्लीट फ्लावर तो तब होगा जब मेल पार्ट भी होगा फीमेल पार्ट भी होगा, बट हियर इज ओनली फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट इन दिस फ्लावर, सो वी कैन कॉल दिस फ्लावर एज पिस्टिलेट फ्लावर या कार्पिलेट फ्लावर, ठीक है, और इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक फ्लावर है एक और उसमें सिर्फ ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है और ओनली मेल पार्ट इज प्रेजेंट, मेल पार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, यहां पे सिर्फ दीज आर एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम ही प्रेजेंट है, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी, नेचर में ऐसा भी है कि मेल पार्ट प्रेजेंट है फीमेल नहीं है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है मेल नहीं है, तो इस प्रकार के फ्लावर को जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है तो इस प्रकार बाकी पार्ट तो सेम रहेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार के फ्लावर को हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। तो आपको यहां बात क्लियर होगी कि स्टेमिनेट फ्लावर क्या होता है और पिस्टिलेट फ्लावर क्या होता है। स्टेमिनेट फ्लावर इज दैट फ्लावर इन विच बोथ इन विच स्टेमन इज प्रेजेंट एंड कार्पलेट फ्लावर इज दैट फ्लावर इन विच कार्पल इज प्रेजेंट, मीन फीमेल पार्ट दैट इज कार्पल, मेल पार्ट दैट इज स्टेमन, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, पिस्टिलेट एंड कार्पलेट फ्लावर्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड आई थिंक यू आर वेरी मच फैमिलियर इन योर प्रीवियस क्लासेस विद द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सो वी डिस्कस द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब हम बात करेंगे आगे इसके बारे में, थोड़ी सी और बातें करनी है फ्लावर के बारे में, सो वी विल डिस्कस द फ्लावर इन सम फ्लावर, यस सम फ्लावर जिनमें ना मेल होगा ना फीमेल होगा, ठीक है, ऐसे फ्लावर जिनमें ना मेल पार्ट है ना फीमेल पार्ट है, इन फ्लावर्स को हम बोलेंगे न्यूट्रल, NEUTER, दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रल फ्लावर, न्यूट्रल, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं आगे, इसको मैं अगर मिटा दूं तो एक कंडीशन होता है मोनोशियस, मोनोशियस, मोनोशियस मतलब, अब आपको मैंने बता दिया कि स्टेमिनेट एंड कार्पिलेट फ्लावर दो दो प्रकार के होते हैं, अब मोनोशियस क्या होती है, मोनोशियस कंडीशन व्हेन मेल फ्लावर दैट इज दिस मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर
ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है ना। जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस। एक है डायोशियस कंडीशन, डी आई ओ ई सी आई ओ यूएस, डायोशियस कंडीशन क्या होती है, जब मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डायोशियस कंडीशन, ठीक है, समझ आ रही बात आपको। एक की मेल, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज आप देखते हैं ऐसी कंडीशन देखेंगे आप पपाया में, मलबरी, डेट पाम। तो ये जो कुछ एक प्लांट्स है इनमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल आर ऑन डिफरेंट प्लांट्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। अब मोनोशियस कंडीशन जो कहां कहां हो सकती है, दैट इज प्रेजेंट इन मेज, कैस्टर, मेज में मोनोशियस, मेज, कैस्टर, कोकोनट, ये सब जो प्लांट है इनमें क्या होता है कि मोनोशियस कंडीशन होगी। मोनोशियस कंडीशन मतलब मेज में क्या होगा कि मेल एंड फीमेल पार्ट जो है एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन अलग अलग फ्लावर के अलग अलग होंगे, मेल अलग फ्लावर है और फीमेल जो अलग, क्योंकि दोनों क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर्स है, एक दूसरे के बिना पूरे नहीं है, ठीक है। और डायोशियस में मतलब कि मेल प्लांट जो है, मेल फ्लावर कहते हैं स्टेमिनेट ऑन वन प्लांट, ठीक है, एंड पिस्टिलेट ऑन अदर प्लांट, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायोशियस। और न्यूट्रल की बात कर रहा था, न्यूट्रल फ्लावर, न्यूट्रल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें ना मेल पार्ट होगा ना फीमेल पार्ट होगा, लेकिन होते का ये सम फ्लावर्स इन सनफ्लावर प्लांट, सनफ्लावर, सम फ्लावर्स इन सनफ्लावर, सनफ्लावर के कुछ एक फूल जो आउटर होल्स में होंगे वो कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर, यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस। नो वी हैव सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन टर्म्स को आपने प्लस वन में भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन चलो फिर भी हम यहां पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो दैट इज कुछ बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोलियंड्रस, पोली, क्योंकि नाम से ही पता लगना चाहिए आपको, पोलियंड्रस। आप बता सकते हैं पोली, पोली मीन मैनी, एंड्रस मीन एंड्रोशियम या स्टेमन, पोलियंड्रस, पोलियंड्रस, पोली मतलब मैनी, बहुत सारे हैं, अलग हैं, ठीक है ना, स्टेमन फ्री इन एंड्रोशियम, तो पोलियंड्रस मीन स्टेमन फ्री, सारे स्टेमन क्या है, फ्री है, ठीक है। ये कंडीशन कहां आएगी हमारी, ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस, और मोस्टली जो क्रूसीफ्री फैमिली होती है, इसमें ब्रासिका मस्टर्ड फैमिली, उसमें जो स्टेमन होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलियंड्रस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी, एपिपेटलस, 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 एपी आउटसाइड पेटल, पेटल मतलब बात स्टेमन की हो रही है कि स्टेमन आर फ्यूज्ड विद द स्टेमन, फ्यूज्ड विद द पेटल्स, जब स्टेमन जो पेटल्स के साथ फ्यूज हो गए तो उसको कंडीशन तो हम क्या बोलेंगे, एपिपेटलस। तो ये कंडीशन हमारी आ सकती है ब्रिंजल में, आ सकती है पिटूनिया में, है पिटूनिया ब्रिंजल, तो ऐसे जो स्टेमन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एपिपेटलस, ठीक है। एपिसेप्लस, यहां भी बड़ी बात आती है, एपिसेप्लस, एपिसेप्लस कंडीशन मीन वही बात, स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद पेटल के साथ, अब किसके साथ हो गए, सेप्पल के साथ, दैट इज बर्बेरा प्लांट में इस प्रकार के जो सेप्पल दैट कैन बी सीन, मतलब एपिपेटलस एपिसेप्लस, ठीक है। उसके बाद है गाइनेंड्रस, जी वाई एन ए एन डी आर ओ यू एस, गाइनेंड्रस। अब यहां बात आती है गाइड एंड एंड्रस,
ठीक है ना, गाइन मतलब फीमेल पार्ट, गाइनेशियम, एंड्रोमीन एंड्रोशियम, तो मीन्स में क्या आता है कि एंथर एंड स्टेमन यूनाइटेड विद स्टिग्मा, ठीक है ना, एंथर एंड स्टेमन जो है, एंथर एंड स्टेमन, एंथर सॉरी एंथर्स ऑफ स्टेमन, एंथर्स ऑफ स्टेमन यूनाइटेड विद स्टिग्मा, मतलब एंथर जो किसके जुड़े हैं, स्टिग्मा के साथ जुड़े हैं, ठीक है, स्टिग्मा, और स्टिग्मा किसका पार्ट है, कार्पल का, एंथर ऑफ स्टेमन यूनाइटेड विद स्टिग्मा ऑफ कार्पल, मतलब स्टिग्मा ऑफ गाइनी, एंड्रो जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टिग्मा ऑफ गाइनी, मतलब एंथर कहां जुड़ा हुआ, स्टिग्मा के साथ, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे गाइनोस्टेजियम, कंडीशन जी वाई एन ओ गाइनो एस टी आई यू एम, गाइनोस्टेजियम कंडीशन जो है वो कहां पे होगी, दैट इज सीन इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस, क्वेश्चन बनता है यहां से कैलोट्रोपिस, नीट का क्वेश्चन बनता है यहां से कैलोट्रोपिस, दैट इज आर्क, आर्क आर्क जो पौधा है इसमें गाइनोस्टेजियम, गाइनोस्टेजियम कंडीशन होती है, मतलब एंथर ऑफ द स्टेमन यूनाइटेड विद द स्टिग्मा ऑफ कार्प, दैट इज कॉल्ड ए गाइनोस्टेजियम। अब एक टर्म आपके आते हैं कि इन कुछ हम बात करेंगे इंसर्टेड स्टेमन, इंसर्टेड स्टेमन, इंसर्टेड फ्लावर, हम बात करेंगे फ्लावर इज इंसर्टेड, फ्लावर इज इंसर्टेड मतलब स्टेमन शॉर्टर देन क्रोला, स्टेमन जो है वो शॉर्टर देन क्रोला, जब स्टेमन जो है क्रोला से शॉर्ट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्टेड स्टेमन शॉर्टर देन क्रोला, क्रोला आपको पता क्या होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टेमन शॉर्टर देन क्रोला, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इंसर्टेड, इट इज सीन इन केस ऑफ, किसमें देख सकते हैं इसको हम, पिटूनिया, PETUNIA, उसके बाद एक्सर्टेड, एक हो गया इंसर्टेड, दूसरा हो गया एक्सर्टेड, तो इसका उल्टा हो जाएगा, स्टेमन लॉन्गर देन क्रोला, एक्सर्टेड मीन स्टेमन लॉन्गर देन क्रोला, ठीक है, एग्जांपल चाहिए जैसे एकेशिया में स्टेमन लॉन्गर देन क्रोला, क्रोला से स्टेमन बड़े होंगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सर्टेड, ठीक है, इंसर्टेड एक्सर्टेड, देखो यहां सारे रट्टा मारने कोई जरूरत नहीं है, यहां पॉलीएंड्रस, पॉली मीन मैनी, एंड्रस स्टेमन आर फ्री, मैनी स्टेमन एंड ऑल आर फ्री, एपीपेटलस, एपी मीन बाहर, जॉइंट विद पेटलस, एपीसेपलस जॉइंट विद सेपल, गाइनेंड्रस गाइन फीमेल पार्ट, एंड्रो मेल पार्ट, गाइनेंड्रस मतलब एंथ्रोस एंथर एंड जो हमारा स्टिक एंथर जॉइंट विद स्टिग्मा, मतलब हम ये सोच सकते हैं कि एंथर जो है या मेल पार्ट जो फीमेल पार्ट के साथ जुड़ा है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ए गाइनेंड्रस, और यहां पे एक टर्म बनती है गाइनोस्टेजियम, गाइनोस्टेजियम दैट इज सीन इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस, इंसर्टेड स्टेमन शॉर्टर देन क्रोला एंड एक्सर्टेड स्टेमन लॉन्गर देन क्रोला, ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन आती है डाइडाइनमस एंड टेट्राडाइनमस, डाइडाइनमस कंडीशन, ये सारी चीजें आप फ्लावर को देख के स्टडी कर सकते हैं घर में, डाइडाइनमस कंडीशन, डाइडाइनमस डाइडाइनमस डाई डाई इन टू मतलब फ्लावर, मतलब हम बात स्टेमन की हो रही है, मतलब स्टेमन आर अरेंज्ड इन 2+2, स्टेमन आर अरेंज्ड इन मतलब स्टेमन आर अरेंज्ड इन 2+2, बट इट इज 2+2, मतलब कह सकते 2+2, टू लार्ज टू स्मॉल, मतलब जैसे फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर है, ये इसका फीमेल पार्ट आ गया, ठीक है, तो स्टेमन क्या है, ऐसे होंगे एक दो ये आगे और दो ये आगे, 2+2 मतलब दो छोटे और दो बड़े, टू लार्ज लॉन्गर स्टेमन्स एंड टू smaller stamens, तो that condition is called as didymus condition, ठीक है, उसके बाद tetradynamous, ये जो didymus condition that is seen in case of osimum sanctum that is tulsi, तो tulsi में ये condition देखते हैं, that is जो stamen की condition that is didynamous, उसके बाद condition है tetradynamous, नेक्स्ट कंडीशन इज डाइडाइनमस के आगे क्या है, टेट्राडाइनमस,
एज एलिमेंट टेट्रा, टेट्रा मीन 4 प्लस 2 मीन्स 4 आर लार्जर एंड 2 आर स्मॉलर, 4 जो बड़े होंगे और 2 जो है वो छोटे होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन जो दैट इज सेम, दिस कंडीशन इज सेम इन केस ऑफ ब्रासिका, ब्रासिका दैट इज मस्टर्ड, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ध्यान में चाहिए कि टेट्राडाइमस कंडीशन क्या है, टेट्राडाइमस कंडीशन क्या है, आइसोगैमेट्स क्या होते हैं, सारे गैमेट्स जब सारे फिर सेम होते हैं, मतलब आइसोस्टेमनस, आइसोस्टेमन क्या होंगे, आइसो मीन सारे स्टेमन एक जैसे होंगे, हेटरोस्टेमनस जब सारे स्टेमन जो है वो अलग अलग प्रकार के होंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है एडल्फस, ठीक है। एडल्फस कंडीशन क्या होती है, स्टेमन फ्यूज्ड एट फिलामेंट, एडल्फस, एडल्फस, एडल्फस का मतलब क्या होता है कि स्टेमन जो स्टेमन्स हैं, स्टेमन फ्यूज फिलामेंट, स्टेमन का जो फिलामेंट है दैट इज फ्यूज्ड, स्टेमन का जो फिलामेंट है, जैसे ये फिलामेंट्स हैं तो ये फिलामेंट जो है वो फ्यूज्ड है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एडल्फस। मतलब स्टेमन सारे क्या है, फ्यूज, मतलब ये प्लांट, ये स्टेमन, ऑल स्टेमन आर फ्यूज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एडल्फस। लेकिन इसके एंथर जो है क्या है, फ्री है, एंथर फ्री है, स्टेमन फ्यूज्ड बट एंथर आर फ्री, मतलब स्टेमन का क्या है, फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज फ्यूज, एडल्फस मीन फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज फ्यूज्ड, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एडल्फस कंडीशन। एडल्फस कंडीशन की हमारे 3 प्रकार की होती है, एक होती है मोनोडल्फस, एक होगी डाइडल्फस और एक कंडीशन है पोलीडल्फस। अब आपको यहां से ही पता लग चल रहा होगा, मोनोडल्फस की मतलब सारे स्टेमन जो है वो एक ग्रुप में फ्यूज्ड है, ठीक है ना, स्टेमन क्या बना सकते हैं, वन ग्रुप, एक ग्रुप, ऑल स्टेमन आर फ्यूज्ड इन स्टेमन, फ्यूज्ड इन वन ग्रुप, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोडल्फस। आपने देखा होगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये शू फ्लावर होता है, बड़ा कॉमन है, यू कैन सी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसमें क्या कंडीशन है, मोनोडल्फस। और डाइडल्फस कंडीशन क्या होती है कि जब स्टेमन जो है वो दो ग्रुप में होते हैं, स्टेमन आर फ्यूज इन टू ग्रुप, स्टेमन फ्यूज इन टू ग्रुप, that is in case of pea plant, that is Pisum stibum, that is in case of pea plant। अब polydelphus मतलब जब क्या है, बहुत सारे ग्रुप जो क्लस्टर्स में बनेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे जो मतलब हमारे stamens हैं, they are present in many groups, more than two groups, that condition is called as polydelphus condition। तो polydelphus condition आप इन चीजों को आप यू कैन सीट, मतलब आप पोलीडल्फस कंडीशन को भी आप कहां दे सकते हैं, आई थिंक इट इज इन सिट्रस, पोलीडल्फस कंडीशन कैन बी इन स्टेमन फ्यूज्ड इन मोर देन टू ग्रुप्स, इसमें लिखेंगे मोर देन टू ग्रुप्स, इट इज सीन इन के सिट्रस कल फ्लावर, सिट्रस फ्लावर नींबू वगैरह है, ठीक है ना, इनके फ्लावर, ऑरेंज वगैरह है, इनके फ्लावर्स वी कैन सी देयर। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी नेचर में सारी प्राप्त प्रेजेंट है, और हम चाहेंगे कि आप इन सब को, मतलब खुद ये प्लांट्स को, आप फ्लावर्स को स्टडी करो और उस फ्लावर को देख के पता लगाओ कि इस फ्लावर की कंडीशन कौन सी है। अब आपको बताऊं मैं, स्मॉलेस्ट फ्लावर आपको पता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया, क्योंकि फ्लावर की बात पढ़ी देखो तो हमें ब्लू, और लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, लार्जेस्ट फ्लावर दैट इज रेफ्लिशिया, एंड नेशनल फ्लावर कौन है भाई, नेशनल फ्लावर दैट इज लोटस,
उसका लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है? नीलम्बियम, नीलम्बो, नीलम्बियम नीलम्बो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट वी विल स्टडी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम।